हेलो एवरीवन। केमिस्ट्री के पहले दो लेक्चर्स में हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। ठीक है, आज जैसे उसमें हमने चीज़ों को क्या क्या पढ़ लिया, जैसे मैं एक बार रिवाइंड करा देता हूँ आपको। परमाणु, अणु, शासा संस्थानक संभारक क्या होते हैं उनके बारे में हमने चीज़ों को पढ़ा, नाभिक संलयन, नाभिक विखंडन क्या होते हैं, कार्बन डेटिंग क्या होती है, कोलाइड क्या होते हैं, विलयन क्या होते हैं, समाव आपके तत्व के द्रव्य क्या होते हैं, द्रव्य की अवस्थाएं क्या हैं, द्रव्य के प्रकार क्या हैं, तत्व क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हमने पहले दो लेक्चर्स में कवर कर लिया। आज का हमारा जो लेक्चर है वहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो पढ़ने वाले हम आप जानेंगे थोड़ा बैटरी से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में, संचारण से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में, और आपके ऊर्जा के स्रोतों के बारे में। हम यहाँ पे आपके तीन टॉपिक हैं इसके अंतर्गत, इनको हम पढ़ने वाले। ठीक है, तो बेसिकली जो चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा तो जो क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनता है, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जो केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका अनुप्रयोगों से होते हैं, कि आपके केमिस्ट्री से संबंधित जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, जो भी आपके अवधारणाएं हैं, उनका जो भी प्रयोग हो रहे हैं, जो निष्कर्ष निकल, उनका हम प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम जो चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं उनका भी हम अनुप्रयोग ही देख पढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके उनके अनुप्रयोग ही होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज के टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है चीज़ें कई बार रिपीट हो जाती हैं कुछ एग्जाम्स में, या आपको उन्हीं से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा है कि दूसरे से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए आपको चीज़ें जाननी जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बैटरी क्या है। ठीक है, बैटरी बेसिकली क्या होता है, आपके ये होते हैं आपके रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं आपकी बैटरी के द्वारा। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक जो बैटरी होती है वो ऐसी बैटरी होती है जिनको हम एक बार यूज करने के बाद दूसरा यूज नहीं कर सकते, या उनको पुनर्वेशित नहीं किया जा सकता है, वो सिर्फ एक ही बार यूजेबल होते हैं। ठीक है, तो जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है उनको हम प्राथमिक बैटरी कहते हैं। और इसके एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्राथमिक बैटरी के क्या एग्जांपल हैं, या निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक बैटरी का एग्जांपल है, ठीक, या कौन सा प्राथमिक बैटरी है, तो आपको ध्यान रखना है शुष्क सेल और मरकरी सेल, ये दोनों ही आपकी प्राथमिक बैटरी होती है। सेकेंड में पूछा जाए कि आपका, ठीक है, प्राथमिक बैटरी होती है तो बेसिकली द्वितीयक बैटरी क्या है, या उसके एग्जाम्पल क्या है। द्वितीयक बैटरी बेसिकली जैसे कि आपका प्राथमिक में इतना कि इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, तो द्वितीयक बैटरी बेटर होती हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा यूजेबल होती है, ज़्यादा हम उनको यूज कर सकते हैं, ज़्यादा बार उनको आवेशित करके उनका पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। तो पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, तो यानी कि इन्हें पुनः आवेशित भी किया जाना चाहिए, तो इन्हें हम बार बार आवेशित भी किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है। तो ये क्या कौन सी होती है, जैसे सीसा संचायक सेल, निकिल कैडमियम बैटरी, ये दोनों ही आपके द्वितीयक बैटरी के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बैटरी बहुत सारी होती है, बहुत जगहों पर प्रयोग होती है आपके, जैसे फोन है, इन्वर्टर्स हैं, चार्जर है, मोबाइल है, घड़ी है, ठीक है, ट्रांजिस्टर है, सर जगह आपको बैटरी की जरूरत पड़ती है, बिना बैटरी के आपको कहीं भी चीजें आपको चार्ज नहीं की, आप कोई भी यूज नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं इन्हीं चीज़ों का अनुप्रयोग पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से, जैसे कि आपका घड़ी में किस प्रकार की बैटरी का प्रयोग करते हैं, या ट्रांजिस्टर में किस प्रकार की बैटरी का प्रयोग करते हैं, इन्वर्टर में क्या सा बैटरी प्रयोग करते हैं, या किस प्राथमिक है या द्वितीयक बैटरी का एग्जाम्पल, तो इस तरह की जो चीज़ें आपको क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में जानना है। चलिए, यहाँ बेसिकली मैंने पाँच चीज़ें हैं, बैटरी, कैथोड, एनोड, विद्युत अवघट्य और उसके उपयोग। ठीक है, तो पहला यहाँ पे है लिगलांसर सेल। लिगलांसर सेल जो होता है वो आपका ग्रेफाइट, इसका कैथोड किसका बना होता है, ग्रेफाइट का, एनोड होती है वो जिंक की होती है। विद्युत अपघट्य इसका होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, और लिगलांसर सेल का जो उपयोग होता है वो आपका ट्रांजिस्टर में और घड़ी में। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर और घड़ी में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि वहां पर किस प्रकार का बैटरी यूजेबल होती है, किस प्रकार का सेल यूज किया जाता है, तो वहां पर आपका लिगलांसर सेल यूज किया जाता है, या लिगलांसर सेल में किस कौन सा आपका कैथोड या एनोड किसका प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है ग्रेफाइट और जिंक का। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं मरकरी सेल। मरकरी सेल जो होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कैथोड HGO या कार्बन पेस्ट का बना होता है, और ये जिंक का पारा और का अमलगम इसमें एनोड के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिंक पारा अमलगम का।
विद्युत अपघट के रूप में KOH और जिंक ऑक्साइड जो होती है आपका प्रयोग किया जाता है, इनका मिश्रण प्रयोग करते हैं, ठीक है। और कैमरा, कैमरे होते हैं उसमें आपका मर्करी सेल यूज करते हैं, और जो कान की जो मशीन होती है जिनको सुनाई कम देते हैं उनको कान की मशीन लगाई जाती है, तो उस कान की मशीन जो होती है उनको में उनमें भी आपकी मर्करी सेल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, ट्रांजिस्टर में लिखलांसे सेल, घड़ी में लिखलांसे सेल, कैमरे में मर्करी सेल, और कान की मशीन में आपका मर्करी सेल। नेक्स्ट है आपका शीशा, शीशा संचायक सेल, ये में आपका लेड डाइऑक्साइड से भरा हुआ लेड, इसमें आप कैथोड के रूप में प्रयोग करते हैं, और लेड जो होता है यहाँ पर एनोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो विलयन है इसका विद्युत अपघट्य होता है, और यहाँ पर प्रयोग आपको वाहनों में जो होते हैं गाड़ियों में आपका कौन सा शीशा संचायक सेल का प्रयोग किया जाता है, और इन्वर्टर में भी आपका शीशा संचायक सेल का ही प्रयोग किया जाता है। तो इनको जरूर ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन ये जरूर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इनको आप 2 से 3 बार जरूर रिवीजन करिए कौन सा क्या है, क्योंकि क्वेश्चन बनते बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अपने बैटरी कंप्लीट कर लिए, आप बात करते हैं संक्षारण के। संक्षारण के बारे में देखिए क्या लिखा है, धातुओं का, ठीक है, धातुओं का उनकी सतह किसका वायु और किसका आर्द्रता का प्रभाव द्वारा नष्ट होना संक्षारण है। यानी कि धातुएं अगर वायु और आर्द्रता के कारण उनमें किसी प्रकार का क्षरण होता है या नुकसान होता है या नष्ट होती है, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, संक्षारण बोला जाता है। यहां पर देखिए, अब जो लोहे में जंग लगती है या चांदी का जो कालापन होता है, ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया क्या होती है या कौन सी चीजें होती हैं, उसके कारण क्या होते हैं, उसको जान लेते हैं। वायु के संपर्क में आने पर लोहे लोहे की सतह पर जल योजित, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड है जिसके कारण जो आप देखते हैं जंग लगती है, जो जंग का जो कलर आपको दिखता है वो क्या होता है, वो क्या होती है आपकी फेरिक ऑक्साइड के कारण होती है, और इसी को हम जंग बोलते हैं। और लोहे में जंग क्यों लगता है कि जल योजित क्या होती है आपकी वायु, यानी कि जो आर्द्रता होती है जल की, ठीक, या जो वायु में नमी होने के कारण आपको ऐसी जगह पर अगर आप लोहे को अगर रख दीजिए ऐसे जहाँ नमी ज्यादा हो, तो वहां पर आप देख सकते हो उसमें जंग लग जाती है, और उसका कारण आपका फेरिक ऑक्साइड या वायु में आर्द्रता के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट है कि चांदी का जो कालापन है वो क्या है, चांदी का जो कालापन होता है वो सिल्वर सल्फाइड के कारण होता है, और ये भी आपका वायु के संपर्क में आने पर ही स्थिति, चांदी का कालापन वायु के संपर्क में आने पर चांदी जो काली पड़ जाती है उसका कारण होता है सिल्वर सल्फाइड के निर्माण उसमें हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होते हैं आपकी चांदी जो होती है वायु के संपर्क में आती है तो उससे सिल्वर सल्फाइड बनता है जिससे चांदी काली पड़ जाती है। उसी तरह लोहा जो होता है वायु के संपर्क में आता है और वहां पर क्या होती है, जिससे लोहे में क्या होता है फेरिक ऑक्साइड बनता है और वहां पर जंग लग जाती है। इसी तरह तांबा जो होता है वो भी आपको वायु के संपर्क में आने पर बेसिक कॉपर कार्बोनेट के कारण हरे बन जाती है। तो ये सारी चीजें होती हैं, तांबे का क्या होता हरा होना, चांदी का काला पड़ना, या लोहे में आपके जंग लगने की प्रक्रिया जो होती है वो वायु के संपर्क में आने पर होती है। लोहे का फेरिक ऑक्साइड बनता है, चांदी में सिल्वर सल्फाइड बनता है, और तांबे जो होते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट कारण हरा होता है, हरा दिखता है। अब इनके बचाव के लिए क्या चीजें प्रयोग की जानी चाहिए या इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या किया जाता है, तो इसके उपाय जो है वो है आपके विद्युत लेपन, ग्रीस, तेल, पेंट, वार्निश, इनके कारण इन चीजों को अगर आपको टेस्ट कर लीजिए तो वहां पर आपका धातु खराब नहीं होती, ठीक है। एक प्रक्रिया और होती है गैल्वेनीकरण। तो गैल्वेनीकरण क्या होता है, यहाँ पर होता है कि आपके जो लोहे की वस्तुएं होती हैं उन पर क्या होता है जिंक की परत का लेप कर दिया जाता है, यानी कि जो आपकी लोहा जो होता है उस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, और ये प्रक्रिया कहलाती है गैल्वेनीकरण। और इन सभी के द्वारा क्या होता है संक्षारण से बचाव, यानी कि जो क्षरण होता है उनके उससे बचाव की प्रक्रिया क्या होती है, विद्युत लेपन, ग्रीस, तेल, पेंट, वार्निश और गैल्वेनीकरण होता है। चलिए एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर अगर जो कि हम सभी आपने सेब खाया होगा, सेब देखे खाने के बाद अगर हम कुछ उसका भाग जो छोटा हुआ भाग आप रख दीजिए तो हम देखते हैं कि उसमें देखते हैं कि वो जो कलर होता है वो भूरा हो जाता है, ठीक है। सेब का जो कटा हुआ भाग होता है वायु के संपर्क में रखने से वो भूरा हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, देखिए जो सेब होता है उसमें पाया जाता है आयरन, ठीक है, कारण है सेब में उपस्थित आयरन, और ये आयरन क्या होता है वायु की उपस्थिति में क्या होता है संपर्क करता है और वहां पर ऑक्सीकृत होकर क्या होता है ये पूरा।
सेब का भूरा होना यानी कि सेब में पाया जाने वाला आयरन जब वायु की उपस्थिति में क्या होता है ऑक्सीकृत हो जाता है और उससे सेब क्या होता है भूरा होता है। इससे एक चीज ये क्लियर होती है कि सेब में क्या होता है आयरन पाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं, हमने यहाँ पर देखिए दो चीजें देखी, बैटरी को कंप्लीट कर लिया, संक्षारण कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं ऊर्जा के स्रोतों की। वैसे ये सारे चार चीजें हैं नहीं, दो तरह की ऊर्जाएं होती हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जाएं। नवीकरणीय ऊर्जाएं ऐसी ऊर्जा है जिनकी मात्रा असीमित होती है, यानी कि आपको चाहे आप जितना यूज करिए वो कभी खत्म ना होने वाली ऊर्जा है, ठीक है। और ऐसी ऊर्जाएं में जैसे आपका वायु ऊर्जा है, ठीक है, कौन से टीका भी यूज करते हैं, सूर्य ऊर्जा है, सोलर सेल आप यूज करते हैं, ठीक है, सौर ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं, ये सारी ऊर्जाएं क्या होती है नवीकरणीय ऊर्जाएं हैं और इनका असीमित तौर पर यूज कर सकते हैं। और अनवीकरणीय ऊर्जाएं क्या होती है, सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं तथा एक लंबे समय तक उपयोग किए जाने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं। तो जो समाप्त हो जाते हैं सीमित मात्रा में उपलब्ध है वो अनवीकरणीय ऊर्जाएं हैं। जैसे आप देख सकते हैं खनिज कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस, ये सभी की सभी आपकी अनवीकरणीय क्या है ऊर्जा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज का ये लेक्चर बैटरी, संक्षारण और ऊर्जा के स्रोतों के बारे में पढ़ लिया। तो इस तरह से हमारा ये तीसरा लेक्चर है जो केमिस्ट्री का कंप्लीट हो जाता है। चीजों को मैं केमिस्ट्री में चीजों बहुत ज्यादा जो लेक्चर देने वाला नहीं हूँ, यहाँ पर जल्दी ही मैं केमिस्ट्री का आपके कोशिश करूंगा कि 10 लेक्चर्स में आपकी चीजें कंप्लीट हो जाए जो आपके एग्जाम के क्वेश्चन। केमिस्ट्री की जब मैंने पहले भी कहा है केमिस्ट्री बेसिकली क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे नहीं जाता, क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे तो वो उनके अनुप्रयोग पूछे जाएंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट पर ज्यादा हमें जाने की जरूरत नहीं है। हाँ जो अनुप्रयोग है तो वहां पर बेसिकली उन चीजों का, बेसिकली जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं चीजों के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बस उन्हीं चीजों को पढ़ते चलिए जो पढ़ाया जा रहा है और उनको आप ज्यादा से ज्यादा बार रिविजन करते चलिए, आपके क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए जिसका आप ज्यादा, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को रिविजन जरूर पर ध्यान दें। मैं इसलिए हर वीडियो में ये चीजें बोलता हूँ क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा सही क्वेश्चन, क्योंकि कई बार अगर आप चीजों को पढ़ा हो लेकिन अगर रिवीजन नहीं किया तो वहाँ पर चीजें क्या होती हैं माइंड में तो रहती हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं आती, जो एक समस्या का कारण बन जाता है, ठीक है। तो इन चीजों को आप जरूर ध्यान दीजिए। तो आज के लेक्चर को यहीं रोकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, बाकी सारी चीजों पर अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।